कितने सालों से पानी नहीं था? कितने भी सालों, हम तो 20 साल से रह रहे हैं, 21 साल से पानी नहीं आता था। फिर कैसे पानी भरते थे आप लोग? पहले तो टैंकर भी नहीं था, कभी इधर से लाते कभी उधर से, पर अब टैंकर आने लगे थे केजरीवाल जी जब से आए थे, अब हमारे इस साइड पानी नहीं था। 18 साल से तो हम भी रह रहे हैं, हमारे इधर भी कोई पानी था, कहाँ 24 से ही भर भर के लाते थे पानी, अब आने लग गया है। अब आने लगी है, दो टैंकर तीन टैंकर गिने चुने थे, अब जाकर के वो भी अब साल भर से आने लग गया था। मतलब टैंकर साल भर से अच्छे से आती थी? ये तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम पानी आ गया तो आदमी बाहर कहीं भी जा सकता है फ्री होके, नहीं तो टैंकर की वजह से तो घर में क्या काम बाहर क्या काम कुछ नहीं हो पाता। हमारे ये पानी तो आज हम लोग 20 साल से 22 साल से पुरानी कॉलोनी है, पानी बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी के आने से आज 3-4 साल में यहाँ पे टैंकर भी आती थी तो 3 टैंकर आते, आप समझ लीजिए यहाँ पे 26 टैंकर रोज आ रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने अभी समझ लीजिए पानी छोड़ दिया सप्लाई का, पानी आना शुरू हो गया, पानी आना शुरू हो गया, एक मोटर चालू हुई है, अब 3 मोटर चालू, पूरे कॉलोनी में जाएगी, 7 कॉलोनियों में पानी जाएगी। अब हमारे यहाँ कॉलोनी में पानी, अब हमें बहुत आराम मिला, नहीं तो टैंकरों में हमें सुबह से शाम तक हो जाता था। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से हुआ, उनके सरकार आने से ही पानी में पानी आ गया। कितने साल से पानी नहीं था? पानी 20 साल से नहीं था। 20 साल से नहीं था, तो ये कब आया, कैसे आया? एक हफ्ते में आया, केजरीवाल के थ्रू आया। केजरीवाल जी के थ्रू आया, केजरीवाल की वजह से हमें पीने को पानी मिला, हमारे बच्चों की जिंदगी सुधरी कम से कम, हमने तो अपने कार्ड दे मार तो बुढ़ापा आ गया, पानी बच गया।